भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और एक बार फिर से खालिस्तान के मुद्दे पर शुरू हुआ कंट्रोवर्सी अब दोनों देशों के रिलेशंस पर असर डालने लगा है। भले कनाडा और भारत के बीच अटेंशन बढ़ रहा है, लेकिन कभी ये दोनों एक अच्छे बिजनेस फ्रेंड रहे हैं। वही भारत और भारतीय कंपनियों ने कनाडा पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में कई भारतीय हैं जिनका कनाडा में बड़ा कारोबार है और ये लोग कनाडा की इकोनॉमी में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर दोनों देशों के रिलेशन बिगड़े तो कनाडा की इकोनॉमी पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, मगर भारतीय कंपनियां भी इससे बच नहीं पाएगी। तो आइए बात करते हैं उन भारतीयों की जिसकी गिनती कनाडा के सबसे अमीर कारोबारियों के तौर पर होती है, जो कनाडा के रियल इस्टेट, होटल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर समेत कई दूसरे सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिस पर कनाडा की इकोनॉमी बहुत हद तक निर्भर करती है। वही आपको बता दें कि भारत के रहने वाले ये लोग कनाडा के प्रॉपर्टी, आईटी, रिसर्च, ट्रेवल और स्मॉल बिजनेस के सेक्टर में ज़्यादा योगदान देते हैं। और CII की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने कनाडा में साल 2023 तक 41,000 करोड़ का निवेश किया है। भारतीय बिजनेसमैन बिल मल्होत्रा कनाडा के रियल एस्टेट सेक्टर के किंग कहलाते हैं और फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनका नेटवर्क 1.9 अरब डॉलर से अधिक का है। वैसे 74 साल के इस बिल मल्होत्रा का जन्म भारत में हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई के बाद साल 1971 में कनाडा चले गए, जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग फर्म की शुरुआत की। और आज कनाडा में इनके रियल एस्टेट कारोबार का पूरा जाल फैला हुआ है और उनकी गिनती कनाडा के सबसे अमीर भारतीयों में होती है। प्रेम वत्स का जन्म 1950 में हैदराबाद में हुआ था, जिन्होंने IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद कनाडा चले गए। फिर साल 1974 में उन्होंने टोरंटो में इंश्योरेंस सेक्टर में शुरुआत की और वो आज कनाडा के सबसे बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। वही फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के मालिक प्रेम वत्स कनाडा में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाते हैं। उन्हें कनाडाई वारेन बफेट भी कहा जाता है। स्टीव गुप्ता कनाडा में सबसे बड़ी होटल चेन के मालिक हैं और उनके होटल ब्रांड्स में हिल्टर, मैरियट और स्टारबुड शामिल है। और भारत के पंजाब से निकलकर कनाडा पहुंचे स्टीव गुप्ता ने इंडस्ट्री में 43 साल से ज़्यादा का समय बिताए हैं और रही भारतीय कारोबारियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल किए हैं। वही रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव गुप्ता की नेटवर्थ करीब $400 मिलियन है। भारतीय कारोबारी सुरजीत कनाडा के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। उनकी कुल संपत्ति $300 मिलियन की है और साल 1979 में कनाडा के सुरजीत स्काइलिंग ट्रेवल ग्रुप के मालिक हैं। भारत में जन्मे रमेश चौटाई साल 1972 में कनाडा चले गए। वहां उन्होंने फार्मेसी का काम शुरू किया और अभी वर्तमान में बायोमेड फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हैं, जो अपने फार्मास्यूटिकल्स प्रोजेक्ट के जरिए कनाडा की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाते हैं। भारतीय मूल के कारोबारी अपूर्व मेहता सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ग्रॉसरी डिलीवरी फर्म इंस्टाकार्ट के फाउंडर रहे हैं। वैसे अपूर्व कनाडा में रहते हैं और वहीं से अपना कारोबार चलाते हैं और फोर्ब्स के मुताबिक अपूर्व का नेटवर्क $1 अरब से अधिक का है, जिनकी गिनती भारतीय मूल के अमीर कारोबारियों के तौर पर होती है। वासु चंचलानी कनाडा के सबसे अमीर भारतीय की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। वही स्वास्थ्य और सार्वजनिक निजी अनुसंधान में उनका बड़ा निवेश है और वे अपनी $7 मिलियन की इकोनॉमी में वहां रोजगार पैदा करने में बड़ा रोल निभाते हैं। साल 1967 में भारत से कनाडा गए बर्ज एस डहान सैंडहर्स्ट ग्रुप के मालिक हैं। वही कनाडा के रियल एस्टेट सेक्टर के प्रमुख बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा आशा जोहल कनाडा के बड़ा भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं और साल 1924 में कनाडा गए। आशा जोहल ने कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि ये खालिस्तान का मुद्दा थमेगा कि और बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस विवाद को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।